अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के साथ साथ रायबरेली जनपद में राम ज्योति को जलाने के लिए दियाली, बाती और तेल का वितरण समारोह शाहबाद से पूर्व सांसद व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने शहर के चंदापुर मंदिर में सैकड़ों महिलाओं को राम ज्योति के पैकेट वितरित किए और सभी से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने अपने घर में दीप जलाने का आह्वान किया। नाम अभी आपको बताया है। ठीक है सर, क्या आज कार्यक्रम हुआ और क्या वितरित हुआ? आज जो है ये माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि 22 तारीख को सभी लोग अपने घर पे 5 दिए जलाएं, श्री राम ज्योति के जलाएं, जिस दिन की मंदिर में श्री राम लला की स्थापना होने जा रही उस उपलक्ष में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक सेकंड डिंपल यादव पूरा ने एक मिनट पूरा अपनी बात तो कर लूँ, और इसलिए ये इसमें दीपक जलाने के लिए तेल और बत्ती ये सबको जनता को वितरित करने का कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, और इसमें लाखों ऐसे पैकेट पूरे जनपद में अभी बांटे जाएंगे। आज इसका शुभारंभ है, अभी 3-4 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा विभिन्न स्थानों पर, और ये दीपक जनता तक पहुँचाए जाएंगे जिससे कि सभी लोग श्री राम ज्योति अपने घर में 22 तारीख को जलाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव ने बताया कि भाजपाइयों को घी भी बंटवाना चाहिए, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? ऐसा है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, अगर उनको ऐसी कोई बात है तो उनको बंटवाने की शुरू कर दें। हम लोगों को तो जो बात हुई है कि जलाना है, दीपक जलाना है, तो उसका बंटवा रहे हैं हम लोग। दीपक जलाने के लिए पूरी व्यवस्था इसमें है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।